सकते हैं तो 500 ढाई। अरे यार तेरा तो जुगाड़ हो गया। ये क्या चीज़ है यार, दीप पे घर बना रखा है, बस तो जगह है रे भाई। है ये बंदरगाह है सारे, ये यहाँ पे गहरा होगा ना। बंदरगाह है, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होता है छोटे मोटे सामानों का, मिलिट्री लोगों का। सामने एक दीप पे घर बना हुआ है, आइलैंड है छोटा सा, उसके ऊपर ये कोई ऑफिस या घर वगैरह कुछ अच्छा बना हुआ है। गेट ऑफ इंडिया से थोड़े दूर पे ये आइलैंड है, ये बहुत पुराना है। आर्मी का है किसी चीज का, है ना। और जगह एकदम मस्त, बड़े बड़े शिप है, कार्गो शिप, पेट्रोलियम शिप, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये कोई शिप है मतलब। आज ये कितना दूर है एलिफेंटा, यहाँ से कितनी दूर और लगेगा एलिफेंटा कोई आइलैंड है मतलब, देखने की जगह अच्छी जगह है। अरे सब बड़ी कार्गो शिप है, ये यहाँ से असल में मुंबई अच्छा दिखाई देता है कि मुंबई है कैसे। देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये सब, ये यहाँ से आपको अच्छा मुंबई दिखाई देगा, बीच समुंदर में खड़े होके ऐसे नहीं दिखाई देगा। Thank you.
ये मछली पकड़ने का सीप है, जो मछली पकड़ते हैं ना समुंदर, बीच समुंदर में जाके हुआ है। ये क्या जी? हाँ हाँ दे रहे थे। ये हेलीकॉप्टर खड़ा करने का बेस पे हेलीपैड बना हुआ है इस शिप पे, और ये भी मछली पकड़ने का शिप है। यहाँ पे ज़्यादातर मछली पकड़ने के शिप खड़े हुए हैं, बड़े बड़े जितने हैं ये बीच समुंदर में जाके मछली पकड़ते हैं। ये शिप है सारे मछली पकड़ने के सिर्फ बड़े बड़े और अच्छे। पता नहीं कैसे आया कव साहब। बांधा नहीं देता ऐसे गिराया है। भाई नीचे वो ऐसे रहता है, समझ गया? नहीं, नीचे जाके जमीन में टकरा जाता है। नहीं, नीचे जमीन में जाके वो फंस जाता है। नहीं, उसका वजन ताज, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ये भाई ये बड़े शिप का बंदरगाह है। ये देखो कितना बड़ा शिप है, कोई गैस प्लांट का है। ये बहुत बड़ा भाई जहाज है, पानी का शिप है? नहीं नहीं फिक्स, वो हैंडल है मोड़ने का है। ऐसे जिप पे जो ऐसे सिप पे जॉब करने का, काम करने का अनुभव बहुत बहुत अलग है। उसके काम करने का ऐसा रहता है, एक महीना ड्यूटी उतनी का छुट्टी रहता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, जितना ड्यूटी उतना छुट्टी रहता है। फिर वो वाशी में ऑफिस में ऐसा आया था, गया था, वहाँ से आदमी बोल दिया और भाग आया था।
ऊपर बहुत बड़ा है। ये भाई एलिफेंडा है और नीचे से ऊपर चढ़ने में ऐसा लगो जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, और नेपाल का पहाड़ जो हिमालय 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 जैसे हाँफ गए भाई हम लोग, मैं और मेरे ताज भाई। कैसा लगा जी ताज भाई? आने पर कुछ नहीं है, यही बंदर है, बंदर लोग का नज़ारा देखो। हाँ, और आगे हम लोग जा रहे हैं, बस आगे आपको और दिखाएंगे हमारे ताज भाई साहब। ये बंदर है भाई साहब, यहाँ एलिफेंडा के ऊपर पारा किए बहुत सारे, ये देखो। और सब पेप्सी माजा बोतल जो है आप लेके आओगे सब छीन लेंगे तुम्हारे से। हम ये लेके लिए उसके थैली हुआ, अच्छा वो थैली उठा लिया, खोल के पानी पी लिया, लेके भाग गया था उसका। ये देखो, ये देखो पूरे बंदर लोग सबका सामान छीन लेते हैं, पानी पी लिया आदमी को। और डराते भी हैं, झांक के देख लो। ये साकिब मामा का फूल लगेगा किचन खोज रहा है। दिखा सो ये गुफा में भाई, नीचे 10 का टिकट लिया है और फिर ये भी 40 का टिकट लिया, समझ गए, मतलब 50 रुपये का टिकट है ये गुफा देखने के लिए। अभी हम गुफा देखने चल रहे हैं। चल भाई इधर चल रहा हूँ पहले। ये गुफा है भाई, एलिफेंडा गुफा यही है भाई, ये है अजन गुफा। ये सब पुराने जमाने का भाई बना हुआ है, ठीक है। ये एलिफेंडा गुफा है पूरा, ये देख रहे हो कितना जमाने। ये मूर्ति भी है इधर, तो पहले ज़माने में ये मूर्ति का तो हाथ पर भाई टूट गया, बनाए भी नहीं किसी ने। ये देखो, ये सोचो कई हजार साल पहले का है। ये पूरा अंधेरा है, न लाइट है इधर न कुछ है, पूरा अंधेरा है भाई। ये भाई ये इसके अंदर इस शिवलिंग जैसा बना रखा है, शिवलिंग ही है। कितना बड़ा है इधर पानी देखा भरा, ये पहाड़ का पानी कैसे भरा है? ये पूरा पहाड़ का पानी है भाई। ये भाई पूरा मूर्ति मूर्ति है और बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। और ये पूरा ये देखो, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा है मगर ये बहुत बेहतरीन मूर्ति का काम किया हुआ है पूरा। ये इधर दिखा, लाइट दिखा इधर, ये पूरा लाइट है। ये गौतम बुद्ध लग रहे हैं ये, और ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है सही। ये हमारा फ्लैश नहीं, बहुत पहले का बेहतरीन बनाया हुआ है। आप लोग कभी ना कभी आके देखो, ये मुंबई में है। 300 रुपये खर्चा होएगा आपका लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने का, अगर खाओगे पियोगे नहीं, बाकी आपकी मर्जी। मगर बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिले। ताज
इसका ये जो अंदर वाला जो पिलर है ना वो पुराने ज़माने का है, जो ऊपर से ये लोग चिपकाया है, देखिए इधर ये चिपकाया है, ये स्टील देखिए चिपकाया है, मतलब मरम्मत किया है। ये पूरा काहड़ को काट के बनाया गया, बहुत बेहतरीन कारीगरी है भाई, तो आप लोगों को देखना चाहिए। ये सब मूर्ति बना हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त। मेरा बैटरी डाउन हो गया, ये देख स्टील डाल के यहाँ पे मरम्मत किया हुआ है, सब पहले का बना हुआ है। ये भाई ये पूरा बेहतरीन जगह है, पहाड़ों के बीच में काट के बनाया हुआ है गुफा, अभी और दिखाएंगे आपको। और इधर देख लो ये पूरा जंगल है, ठोस पहाड़ है, मतलब काट के आप गुफा बना लो, घर बना लो, कुछ भी बना लो, इधर ठोस पहाड़ है, इधर से खाई है, ये गाता गाय माता भी है इधर। अब बताओ इतनी चढ़ाई तक कैसे चढ़ गई गाय माता, बहुत बेहतरीन। ये समुंदर के बीच में मतलब टापू है, ये पहाड़ है और बहुत ठोस और घना जंगल है बिल्कुल, और इसके अंदर ये समझ लो गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बनाया होगा, बहुत बेहतरीन और बहुत दुर्लभ। ये बना हुआ है जी, ये पूरा एलिफेंडा का गुफा है, इसी को बोलते हैं। देखो पहाड़ को बीच में से काट काट के अच्छा से बनाया है, बिल्कुल एकदम तरीके से, बहुत बेहतरीन। ये देखो भाई लोग, बहुत नज़दीक से इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, ये पूरा गुफा को अच्छा से काट काट के बनाया गया है, और अंदर से पानी भी निकलता है, मतलब पीने वाला पानी का रिसाव एनी टाइम होता रहता है, ये बूंद बूंद पानी निकलता रहता है गुफाओं के बीच में से। ये देखिए ये है, और ये बूंद बूंद बन के एक कुआं भी बन गया इधर, बहुत बेहतरीन है ये, और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। ये इधर भी ये पूरा जंगल एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया में, ये समझ लो एक तरह से वो टापू जजीरा होता है जजीर, वैसे ही बिल्कुल ये। इधर भी एक गुफा है पूरा ऐसे ही राजा महाराजाओं के लिए, देख लो पहाड़ के काट काट के बनाया गया है, बहुत बेहतरीन। चलेगा अंदर, ये भी मूर्ति है, इसके अंदर शिवलिंग रखा हुआ है पूरा,